हेलो फ्रेंड, बेसी ट्रे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड, होटल एडजस्ट वायरिंग कैसे किया जाता है। इस वायरिंग में फ्रेंड बल्ब को मैक्सिमम, मीडियम या मिनिमम ब्राइटनेस में जला सकते हैं। आज के जनरेशन में फ्रेंड बड़े बड़े होटलों या रेस्टोरेंट में इसी वायरिंग का यूज़ किया जाता है। इस वायरिंग को करने के लिए फ्रेंड हम दो टू वे स्विच लेंगे। टू वे स्विच में फ्रेंड तीन टर्मिनल होता है और एक वन वे स्विच लेंगे। वन वे स्विच में फ्रेंड दो टर्मिनल होता है और दो बल्ब लेंगे और दो बल्ब होल्डर। चलिए अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड एक छोटा सा रेड वायर लेंगे और इस वन वे स्विच के फर्स्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इस वायर के इंड को फ्रेंड इस बल्ब होल्डर के किसी एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। बल्ब होल्डर में दो टर्मिनल होता है फ्रेंड, एक न्यूट्रल के लिए एक फेज के लिए। किसी एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। और फिर से एक छोटा सा रेड वायर लेंगे फ्रेंड और इस टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इस वायर के भी इंड को फ्रेंड इस बल्ब होल्डर के किसी एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। फिर से एक छोटा सा वायर लेंगे फ्रेंड और इस बीच वाले टू वे स्विच के लास्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इस वायर के इंड को इस टू वे स्विच के लास्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। और फिर से एक ब्लैक वायर लेंगे फ्रेंड और इस बीच वाले टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इस वायर के इंड को फ्रेंड इस बल्ब होल्डर का जो हमारा दूसरा टर्मिनल बच गया था इसमें कनेक्ट कर देंगे। फिर से एक ब्लैक वायर लेंगे फ्रेंड और इस बीच वाले टू वे स्विच के फर्स्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इस वायर के इंड को फ्रेंड इस बल्ब होल्डर का जो हमारा दूसरा टर्मिनल बच गया था इसमें कनेक्ट कर देंगे।
फिर से एक रेड वायर लेंगे फ्रेंड और इस फर्स्ट वाले टू वे स्विच के फर्स्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इस वायर के एंड को फ्रेंड इस दूसरे बल्ब होल्डर के ये रेड वायर जिस टर्मिनल में कनेक्ट किए हैं उसी टर्मिनल में एक साथ कनेक्ट कर देंगे। इस टर्मिनल में फ्रेंड जहां रेड वायर कनेक्ट किए हैं वहां कनेक्ट कर देंगे। हो गया फ्रेंड, अब न्यूट्रल और फेज वायर कनेक्ट कर लेते हैं। एक ब्लैक वायर लेंगे और ये जो हमारा बीच वाले टू वे स्विच है उसके फर्स्ट वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा न्यूट्रल वायर हो गया फ्रेंड, अब फेज वायर कनेक्ट करते हैं। फेज वायर फ्रेंड हम इस वन वे स्विच के सेकेंड वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया, अब इसे सीधा करके बल्ब होल्डर में बल्ब लगा के इसमें लाइट देते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वायरिंग को सीधा करके इसमें लाइट दे दिए, अब जैसे ही इस वन वे स्विच को ऑन करेंगे ये दोनों बल्ब की रोशनी फुल ब्राइटनेस में ग्लो करेगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड ये दोनों बल्ब की रोशनी फुल ब्राइटनेस में ग्लो कर रहा है, और इस टू वे स्विच को ऑन करेंगे तो एक बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा और दूसरा बल्ब हमारा फुल ब्राइटनेस में ग्लो करते रहेगा। और अगर इस टू वे स्विच को ऑन कर देते हैं तो ये दोनों बल्ब का ब्राइटनेस मीडियम हो जाएगा यानी सेम हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड ये दोनों बल्ब का जो ब्राइटनेस है वो मीडियम हो गया, और इसी कंडीशन में अगर आप इस टू वे स्विच को ऑफ कर देते हैं तो एक बल्ब हमारा फुल ब्राइटनेस में ग्लो करते रहेगा और एक बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। और अगर इस टू वे स्विच को ऑफ कर देते हैं तो फिर से हमारा ये दोनों बल्ब फुल ब्राइटनेस में ग्लो करने लगेगा। यहाँ से इसे आप ऑफ कर देंगे, फिर इस वन वे स्विच को ऑन करेंगे तो दोनों बल्ब हमारा फुल ब्राइटनेस में ग्लो करने लगेगा, फिर इस टू वे स्विच को ऑन करेंगे तो एक बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा और दूसरा बल्ब हमारा फुल ब्राइटनेस में ग्लो करते रहेगा, फिर इस टू वे स्विच को ऑन करेंगे तो दोनों बल्ब हमारा मीडियम में ग्लो करने लगेगा। फिर इसी कंडीशन में अगर आप इस टू वे स्विच को ऑफ कर देते हैं तो एक बल्ब हमारा फुल ब्राइटनेस में ग्लो करने लगेगा और दूसरा बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। फिर इसी कंडीशन में अगर आप इस टू वे स्विच को ऑफ कर देते हैं तो फिर से हमारा दोनों बल्ब फुल ब्राइटनेस में ग्लो करने लगेगा। एक्चुअली फ्रेंड इस वायरिंग का यूज होटलों में किया जाता है, इसलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल एडजस्ट होस्टल वायरिंग रखा है। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।